हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज का हम अपना आगे का सेशन कंटिन्यू करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, प्रैक्टिस सेट 1.1, क्वेश्चन नंबर 2 का 6। सो हियर अगेन यू हैव हैविंग अ टू इक्वेशन, 1/3x + y = 10/3, और इक्वेशन 2 जो है 2x + 1/4y = 11/4। अब आप देखेंगे दोस्तों, ये जो आपका लीनियर इक्वेशन है वो एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो टर्म यहां मेरा फ्रैक्शन में है हम उसे कोशिश करेंगे एलिमिनेट करने की, और उसे एलिमिनेट करने के बाद हम उसे बड़े आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो यहां पर डिनोमिनेटर में पहले इक्वेशन में क्या है बेटा, 3 है, तो मैं पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो 3 मेरा टर्म डिनोमिनेटर से एलिमिनेट हो जाएगा, तो मैं यहां लिख सकता हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, और इक्वेशन 4 में के डिनोमिनेटर, इक्वेशन 2 के डिनोमिनेटर में क्या बेटा 4, तो मैं इस पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से। एंड इक्वेशन 2/4 वी गेट, तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर मैं पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 यहां पे मल्टीप्लाई किया, 3 यहां पर मल्टीप्लाई किया, और 3 यहां पर मल्टीप्लाई किया, तो ये 3 विल बी कैंसल्ड, एंड दिस 3 विल ऑल्सो बी कैंसल्ड। सिमिलरली 4 मल्टीप्लाई ओवर हियर, दिस 4 विल बी कैंसल्ड, एंड दिस 4 विल बी अगेन कैंसल्ड। सो वी विल गेट द न्यू इक्वेशन, हियर वी विल गेट x + 3y = 10, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3, एंड हियर वी विल गेट 2 4 8x + y = 11, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4। सो वॉट वी विल डू नेक्स्ट, हियर वी गॉट द टू लीनियर इक्वेशंस। सो एज आई से we need to make the coefficient of any one of the variable should be equal. तो किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशियंट को आप इक्वल ले लीजिए। तो मान लीजिए मैं यहां पे x से इक्वेशन 1/3 को मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या होगा, मेरा x और इस x का कोफिशियंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/8, अब मैं इक्वेशन 3 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसमें पूरे इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 into x 8x + 8 3 = 24y 8 10 = 80, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 5। नाउ हियर नाउ वी कैन ऑपरेट दिस इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। सो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू लुक एट हियर, वंस द कोफिशियंट ऑफ वेरिएबल हैज बीन इक्वल, अगर एक बार उसके वेरिएबल का कोफिशियंट इक्वल हो गया तो उसके साइन को आप ध्यान में रखिएगा, और उसके बेसिस पे इक्वेशन हमारा या तो ऐड होगा और या तो सब्सट्रैक्ट होगा। तो यहां पे सेम साइन है दोनों का, तो सेम साइन है यानी कि सब्सट्रैक्शन, SS स्टैंड फॉर सेम साइन फॉर द सब्सट्रैक्शन, गो फॉर द सब्सट्रैक्शन। सो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 and 5, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बेटा क्या होगा, मिलेगा 8x + 24y = 80, 8x + y = 11। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मैंने आपको बताया कि साइन इसका चेंज हो जाता है ना, माइनस है, माइनस प्लस माइनस, अगेन माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, सो दिस टू टर्म विल बी एलिमिनेटेड। नाउ हियर 24y में से 1y विल बी माइनस, सो व्हाट इज लेफ्ट, 23y, आउट ऑफ 80 11 विल बी द माइनस, व्हाट वी विल गेट, हाउ मच, इट्स
9. So now divide here. Y is equal to 69 upon हमेशा मैंने आपको कहा 23 या मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा बच्चा वो डिवाइड होगा डिवाइड बाय 23 therefore y is equal to 3 so here we got the value of 3 23 3 is 69 होता है आप कैलकुलेट करके ले लीजिए देख लीजिएगा आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हालांकि अभी न्यूमेरिकल्स बाकी हैं अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना है y का वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट करना होगा मैं लिख देता हूं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन आप चाहो तो इसे इक्वेशन नंबर 3 में या इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो सो 8x plus y की जगह क्या लिखेंगे 3 इज इक्वल टू 11 8x इज इक्वल टू प्लस 3 11 के पास जाके क्या होगा बेटा माइनस सो 8x इज इक्वल टू 8 So therefore, x is equal to 8 upon 8 and we will get the value of x is 1. Now you can please take this screenshot so that we can move ahead. My next question is, क्वेश्चन नंबर 7 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन 101x ओह आई एम सो सॉरी दिस माइट बी नॉट विजिबल नो इश्यू ये जो क्वेश्चन है बेटा इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका अलग होगा 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 एंड 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501 तो बेटा आपको यहां क्या देखना है कि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि दोनों के दोनों वेरिएबल के जो कोफिशियंट्स हैं वो आपस में इंटरचेंज है देखिए एक्स का कोफिशियंट कितना है 99 यहां पर वाई का कोफिशियंट है 99 यहां पर वाई का कोफिशियंट है 101 तो वो दूसरे इक्वेशन में एक्स का कोफिशियंट है 101 तो ऐसे केस में आपको क्या करना है इन दोनों इक्वेशन को बिना साइन को ध्यान में रखे आपको इन दोनों इक्वेशन को एक बार एड करना है आप जब इसे एक बार ऐड करोगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा और सेकेंड टाइम जब आप इसे सब्स्ट्रैक्ट करोगे तो आपको दोबारा एक इक्वेशन मिलेगा व्हाट आई मीन टू से कि आपको दो नए अलग इक्वेशंस मिलेंगे और उन दोनों इक्वेशंस को ऑन द बेसिस ऑफ साइन ऑफ द कोफिशियंट हम इन्हें सब्स्ट्रैक्ट करेंगे और या फिर एड करेंगे तो चलिए जैसा मैंने आपको बताया कि पहले हम दोनों इक्वेशन को एड कर देते हैं एडिंग इक्वेशन 1 and 2 आप चाहो तो आगे लिख सकते हैं सो आफ्टर एडिंग दिस इक्वेशन 1 and 2 वी विल गेट 199 दैट इज 200x यहां मिलेगा 201y एंड हियर वी विल गेट 1000 सो दिस ऑल थ्री टर्म्स आर द मल्टीपल ऑफ 200 दिस आर ऑल थ्री टर्म्स आर द मल्टीपल ऑफ 200 सो डिवाइड throughout the equation by 200. So 200 से तीनों को divide करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चा Students, here we will get x plus y plus 5. 200 5 जा 1000 होता है So this is my equation number 3. Similarly, now we will add these two equation. So जब आप इन दोनों equation को add करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा अब
99x plus 101y is equal to 499, and here 101x plus 99y is equal to 501. Now here we are subtracting equation 1 and 2. Here we have add equation 1 and 2. Here we are subtract equation 1 and 2. एक बार इसे add करना है और एक बार इसे subtract करना है. So subtraction में sign क्या हो जाएगा बेटा? Change. Please sign पर ज्यादा ध्यान देना. Mistakes बच्चे यही करते हैं, sign को ध्यान में रखते नहीं है. अब ये 99 है, ये 101 है. Obviously 101 का sign बड़ा है, तो क्या होगा? ये minus 2. 101 में से 99 जाएगा, 2 आएगा. और sign of bigger number यहां पर कितना आएगा बेटा? Sign of bigger number यानी कि 101 का sign है plus, तो यहां आएगा plus. 101 में से 99 गया, again 2x 2y एंड यहां पर आएगा 2 minus 2 by because the sign of bigger number. 501 का sign है minus. अब पूरे equation को मैं क्या करूंगा? 2 से multiply. पूरा जो मेरा equation है वो 2 का multiple है. So sorry, divide करूंगा, multiply नहीं करूंगा. Divide throughout the equation by 2. Equation by 2. तो क्या मिलेगा? Minus x plus y is equal to 2. ये मेरा equation number हो गया 4. मेरा equation number हो गया 4. जैसा कि मैंने आपको कहा था, जब add करूंगा तो एक equation मिलेगा, और जब subtract करूंगा तो मुझे दूसरा equation मिलेगा. अब इन दोनों इक्वेशंस को मुझे ऑपरेट करना है. नाउ यू कैन प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. तो ये इक्वेशन मैं यहां लिख लूं, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2. ये मेरा इक्वेशन नंबर है 4. चलो बेटा, अब आप बताओ क्या करेंगे. देखो, दो पॉसिबिलिटी है. अगर आप ये एक्स का साइन देख रहे हैं, एक में नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ऑपोजिट साइन है, तो आप चाहो तो इक्वेशन को ऐड कर दो. और यहां अगर आप देख रहे हो सेम साइन है, चाहो तो आप इसे सब्सट्रैक्ट कर दो. तो ये वाला मुझे ज्यादा कन्वीनियंट लग रहा है कि इसे हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. तो ये एक नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इक्वेशन को क्या करेंगे? ऐड. माइनस प्लस माइनस होगा, यानी ये दोनों टर्म एलिमिनेट हो गए. प्लस 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 होगा और ये हो जाएगा 2y, और 5 प्लस 2 हो जाएगा 7. 5 प्लस 2 के आई एम सो सॉरी बेटा, यहां आपका आएगा माइनस 1. आई एम सो सॉरी, यहां आपका आएगा माइनस 1. कैसे? ये एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूं. यहां था 99x plus 101y is equal to 499, और यहां था 101x plus 99y is equal to 501. और दोनों को, और इस इक्वेशन को हमने क्या किया था? माइनस. तो साइन ऑफ बिगर नंबर यहां माइनस 2x, साइन ऑफ बिगर नंबर प्लस 2y, और ये था माइनस 2. तो इस पूरे टर्म को हमने 2 से डिवाइड किया, करेक्ट? तो ये कट गया तो 1 आ गया, ये कट गया y, एंड दिस इज टर्म इज एलिमिनेटेड. सो माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 1. सो एड, यहां हम बेसिकली कर रहे हैं इसको एड. सो प्लस माइनस होगा माइनस, तो यहां आ गया 4. एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस मिस्टेक. समटाइम इट्स हैपन. तो चलिए, देयरफॉर माय y इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, देयरफॉर माय y इज इक्वल टू 2. यहां पर मुझे y की वैल्यू मिल गई 2. अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो और x की वैल्यू निकाल लो. तो मैं यहां पर इक्वेशन 3 में पुट कर देता हूं y का वैल्यू, क्योंकि ये डायरेक्टली यहां जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी. तो
substitute the value of y in equation third. So here x plus 2 is equal to 5, therefore x is equal to 5 minus 2, therefore x is equal to 3. So now if you want, you can please take the screenshot. Now moving to the last sum.